please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सीरीज लास्ट हुई थी गुजरात में 2008 में, उसका ये मास्टरमाइंड है और ये ब्लास्ट अहमदाबाद में हुए थे 26 जुलाई 2008 को. कुछ दिनों बाद 29 एक्सप्लोडेड अनएक्सप्लोडेड आईडीज मिले थे सूरत से, वो भी इसी की मास्टरमाइंड था उसका भी ये, और वो प्लांट किए गए थे. वो अनएक्सप्लोडेड रह गए थे ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस. ये फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था इंडियन मुजाहिदीन को और सिमी को, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में. हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि ये अपने एक ओल्ड एसोसिएट से मिलने गाजीपुर के एरिया में आएगा. इस इन्फॉर्मेशन पे टीम कई जनों से काम कर रही थी और इसको एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद परसों रात को गाजीपुर से अरेस्ट किया गया. इसका प्रोफाइल, क्रिमिनल प्रोफाइल काफी बड़ा है. एनआईए ने इस पर 4 लाख का इनाम डिक्लेयर किया हुआ है. 2007-2008 में सिमी के 4 ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, चोरल मध्य प्रदेश में, वाघमोन केरला में, हलोल गुजरात में और एक कैसल रॉक हुबली कर्नाटका में. इन चारों कैंप्स में बेसिकली प्लानिंग की गई थी अपने कार्डर्स को ट्रेन करने की और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वॉर की, जिसको ये जिहाद कहते हैं. इन कैंप्स में आर्म्स ट्रेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, मोलोटोव कॉकटेल जैसे पेट्रोल बम के नाम से हम जानते हैं वो बनाना, ये सब सिखाया गया था कैडर्स को. और साथ ही साथ अपने कैडर्स की डेथ को फेक करना कि एक्सीडेंट में जो मारा गया वो हमारा फला आदमी था, अगर पकड़े जाएं तो इंट्रोगेशन में कैसे इंट्रोगेटर्स को मिसलीड करना है, इन सब की ट्रेनिंग दी गई थी. वहां पे जो चीफ इंस्ट्रक्टर्स थे उनमें से एक चीफ इंस्ट्रक्टर ये था एंड ही वॉज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स. 2008 में जब सफदर नागौरी और काफी लोग इसके अरेस्ट हो गए इंदौर में, तो उसके बाद ये भाग के गुजरात गया. उससे पहले ये रियाज भटकल के साथ मिलके इंडियन मुजाहिदीन की फॉर्मेशन कर चुका था. ये जब कर्नाटका में था तो इसकी मुलाकात रियाज भटकल, इकबाल भटकल वगैरह से हुई थी भटकल एरिया में, और वहां के रेडिकलाइज यूथ के साथ मिलके, और सिमी के वो लोग जो ज्यादा रिएक्टिव और वोलेटाइल थे, रेडिकलाइज ज्यादा थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन की फाउंडेशन भी की थी. तो 2008 में सफदर नागौरी पकड़ा गया और काफ़ी लीडरशिप सिमी की पकड़ी गई और ये हेड बना सिमी का. तो उसके बाद ये पुणे में गया था रियाज भटकल के साथ मिलकर, इसने ऑफर किया था कि हमें बम ब्लास्ट करना है, वो इसका इनिशिएटिव था, सिनिस्टर इनिशिएटिव आई वुड से. और वो बम ब्लास्ट में सारे लड़के लॉजिस्टिक्स इसके प्रोवाइड किए हुए थे, उसकी कॉन्स्पिरेसी पूरी इसकी थी, प्लानिंग पूरी इसकी थी. उन ब्लास्ट में ये पकड़ा नहीं गया और उसके बाद ये भाग गया. इंडिया में 2-3 जगह भागता रहा और फाइनली रक्सौल के बॉर्डर से ये नेपाल चला गया था. पिछले कई सालों से नेपाल में रह रहा था. बीच में 2013 से 15 के बीच में कुछ टाइम के लिए सऊदी अरब भी गया था, बेसिकली अगेन टू रेज फंड्स और टू रिवाइव हिज टेरर नेटवर्क. सॉरी आई रिपीट, 2015 से 17 के बीच में सऊदी, टू इयर्स ही वॉज इन सऊदी अरबिया. और वो सारी डिटेल्स अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं. नेपाल में इसने नकली डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ये रह रहा था, नकली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हुए थे. इसकी फिर कुछ लोगों से इसका कॉन्टैक्ट हुआ फॉरन में एंड फाइनली ही हैड कम बैक टू इंडिया. जब से लगा कि इंडियन मुजाहिदीन की सारी टॉप लीडरशिप या तो मारी जा चुकी है या पकड़ी गई है या बाहर है, सिमी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, सिमी के जो टॉप लीडर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो ये आया था दोबारा रिवाइव करने के लिए. जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो प्लान था, इनिशियल प्लान था, जिन जगहों पे ये स्ट्रांग था, यूपी में था, ये महाराष्ट्र में स्ट्रांग था, गुजरात में स्ट्रांग था, कर्नाटका में स्ट्रांग था और मध्य प्रदेश में, तो ये इसका प्लान था वापस उस नेटवर्क को रिवाइव करना. इसके बाद कभी क्या हो,
देखिए, मैंने कहा कि ये दिल्ली आया था अपने किसी एसोसिएट से मिलने के लिए। इसके पास से एक पिस्टल मिली है और 5 कार्टूसेस मिले हैं, 9mm की पिस्टल है, कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ 10-12-13 राउंड सेक्शन हुए थे, 13-14 राउंड सेक्शन हुए थे। कोई बड़ी प्लानिंग थी इसकी जो भी देखे, नहीं, इसकी दिल्ली की कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी दिल्ली की कोई प्लानिंग नहीं थी। दिल्ली में इसको सिर्फ और सिर्फ गाजीपुर के एरिया में, जो कि यूपी से टच करता है, इसको एक अपने एसोसिएट से मिलना था। वो कौन है जिससे मिलना था? वो अभी हम फॉर द सेक ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। जो अप्रोप्रिएट टाइम होगा उसमें आपके साथ शेयर किया जाएगा। काफी समय से ये शांत था क्या, और अब फिर से अपना कैटर? नहीं, आई वोंट से कि शांत था, ये जैसा इसकी प्रोफाइल बताती है कि ये कभी भी शांत नहीं रहा। ये ऑर्गेनाइजर था, मास्टरमाइंड था, ये हमेशा से लार्जर रोल प्ले करता रहा है। जैसे सारे ट्रेनिंग कैंप्स जितने सिमी के, जो ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स जिसमें सिमी के लोगों को हार्डकोर ट्रेनिंग दी गई टू वेज फाइट अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, वो इसके सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये रहता था। फंड रेजिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट था। एक टाइम पर ये सिमी का फाइनेंशियल सेक्रेटरी था और बाद में मेन फंड रेजर भी बना था। और जब वो कैंप्स इसने चारों ऑर्गेनाइज किए तो उसमें भी जो ट्रेनिंग दी गई थी उसके करिकुलम्स वगैरह इसने डिसाइड किए थे, जो इसके ट्रेनर थे वो इसने स्काउट किए थे, जो लोगों को ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, मिलिट्री ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, ये सारी की सारी ट्रेनिंग उन कैंप्स में दी गई थी, फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग। तो ये सारा कैंप्स इसके ऑर्गेनाइज किए हुए थे। और जब इसकी लीडरशिप पकड़ी गई थी तो 2008 के ब्लास्ट जो इसने किए थे, तो उसके पीछे इसका मंशा था कि हमारे लीडर्स बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं, तो वी हैव टू डू समथिंग बिग एंड स्पेक्टेकुलर, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फिर से रिवाइव हो। और सो कॉल्ड इनमें एक प्रोसिक्यूशन सिंड्रोम उसको लगता था कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ दूसरी कम्युनिटीज ढंग से नहीं करती हैं, तो उसके लिए भी एक मैसेज सा देना था। और दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि एक कुख्यात इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा है, उन्होंने सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर।